हाय फ्रेंड, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूँ द लैपटॉप फिजिक्स में। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो टाइम डायलेशन है। आइए तो देखते हैं टाइम डायलेशन का एक फुल एक्सप्लेनेशन और इसका सॉल्यूशन का जो प्रूव है उस चीज़ को भी इस चैप्टर में आज समझेंगे। आज का टॉपिक है टाइम डायलेशन। कहता है कि इन रिलेटिविटी टी डैश इज नॉट इक्वल्स टू टी, दिस मीन्स दैट क्लॉक इन डिफरेंट सिस्टम रन एट डिफरेंट रेट। कि रिलेटिविटी में टी डेस्ट जो होता है वह टी के बराबर नहीं होता है। मान लेते हैं कि टी डेस्ट जो है कोई एक फ्रेम का टाइम है और टी जो है वो एक एस फ्रेम का टाइम है, तो दोनों जो टाइम वह बराबर नहीं होगा। आइए इस चीज़ को समझते हैं। मान लेते हैं कि दो ऑब्जर्वर ले लिए, एक एस डैश फ्रेम में और एक एस डैश फ्रेम में। एस डैश फ्रेम का जो कोऑर्डिनेट है वह एक्स, वाई और जेड है, और इसका जो ऑब्जर्वर है वह वो है। और एस डैश का जो कोऑर्डिनेट है एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश है, और इसका जो ऑब्जर्वर है वो ओ डैश है। अब हमने क्या किया कि एस डैश और एस डैश फ्रेम दोनों में हम क्या किया, एक वॉच को रखा। दोनों वॉच का क्वालिटी, क्वांटिटी, कंपनी सारा का सारा क्या है, सेम है। दोनों में हमने सेम टाइम 3 बज रहा है, दोनों में सेम टाइम हम सेट करके रख दिए। तब क्या कर देखते हैं कि एस डैश फ्रेम जो है मूव कर रहा है भी वेलोसिटी के साथ, और एस फ्रेम जो है वह क्या है, रेस्ट में है। एस फ्रेम रेस्ट में है और एस डैश फ्रेम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है वेलोसिटी भी के साथ। तब इसमें हम क्या देखते हैं कि एस डैश जो है, एस डैश फ्रेम में जो घड़ी है वह एस के तुलना में थोड़ा धीमा चल रहा है। यानी अगर हमने एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम में 3 बजे का टाइम सेट करके दोनों फ्रेम में एक वॉच को दोनों फ्रेम में सेम टाइम में रखा हो, तो कुछ समय बाद, मान लीजिए कि 15 मिनट या 20 मिनट के बाद हम जब टाइम देखते हैं, तो एस फ्रेम में तो 3:20 हो रहा होता है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन एस डैश फ्रेम में जो है वह थोड़ा स्लो हो जा रहा है, यानी 3:12 या 14 मिनट इस प्रकार से आ रहा है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि एस डैश फ्रेम में जो वॉच है वह मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी भी के साथ। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, दोनों का जो टाइम है, टाइम इंटरवल को निकालेंगे, और एस फ्रेम में जो टाइम इंटरवल निकलेगा वह टी इजक्वल्स टू T2 - T1 होगा, और एस डैश फ्रेम में जो टाइम इंटरवल निकलेगा वह T0 = T-2 - T1 होगा। अब बात ये यहाँ पर एक चीज़ क्वेश्चन उठता है कि जो एस डैश फ्रेम में मूव कर रहा है वह वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी जो होगा वो लगभग क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगा, यानी वी इज प्रोपोर्शनल टू सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगा, जिसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक स्पीड। अब हम एस और एस डैश के बीच का डिस्टेंस को अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और हमें जो डिस्टेंस जो निकालना है एस और एस डैश फ्रेम के बीच का, उसमें से हमको पता है कि वेलोसिटी जो है वह टाइम या स्पीड जो है वह वेलोसिटी भी के साथ मूव कर रहा है, तो यानी इसका स्पीड जो है वह भी हो गया और टाइम तो टी है। तो एस और एस डैश फ्रेम के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह क्या हो गया, भी टी। अब इस चैप्टर में हम सिर्फ एक चीज़ को ही समझेंगे कि टाइम डायलेशन यानी टाइम डिले या टाइम स्लो हो जाने का कारण, कि किसी एक फ्रेम के तुलना में दूसरा फ्रेम में क्या हो जा रहा है, टाइम धीमा हो जा रहा है, इस चीज़ को इसमें हम समझेंगे। तो आइए हम एस डैश के लिए समझते हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वर एस फ्रेम में है और उसका टाइम मेजर करते हैं तो वह कैसे हेल्पफुल होगा। Suppose an observer is S frame, measure time in different interference with the help of a clock and his clock is in rest। कि मान लेते हैं S frame में अगर हम time को measure कर रहे हैं, उसमें जो clock रखा हुआ वह क्या है, rest में है, यानी स्थिर है। If T1 and T2 are two successive interns ऑफ टाइम मेजर बाय हिम, कि अगर T1 और T2 जो एस फ्रेम में हम टाइम मेजर करेंगे उसका इंट्रांस है, जो एक इनिशियल टाइम है और एक फाइनल टाइम है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टाइम इंटरवल कहते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू विल बी, तभी दोनों जो टाइम होगा T1 और T2 के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा, T = T2 - T1 होगा। इस चीज़ को हम इक्वेशन 1 मान लिए।
अब क्या कहता है कि दिस मेजर्ड ऑफ T1 एंड T2 आर द सेम पोजिशन इन S फ्रेम, कि यह जो है वो एक ही पोजिशन पर होगा S फ्रेम में, T1 और T2 दोनों एक ही फ्रेम में होगा। अब हम ऑब्जर्वर S डैश के लिए देख रहे थे जिसमें जो है टाइम या वॉच जो है मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर इन S डैश फ्रेम विच इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी वी विच इज़ रिलेटिविस्टिक स्पीड एलॉन्ग पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू S फ्रेम, कि ऑब्जर्वर अगर हम S डैश में ऑब्जर्वर को देख रहे हैं तो वह S फ्रेम के तुलना में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है भी वेलोसिटी के साथ और वह पॉजिटिव x डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। देन द ऑब्जर्वर इन S फ्रेम मेजर द सेम एज T1 एंड T2 विच विथ हीज वन क्लॉक विथ सेम प्रिसेशन, और तभी S फ्रेम में जो टाइम मैंने मेजर किया टाइम इंटरवल T इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करेंगे, हैंस टाइम इंटरवल एज मेजर इन S फ्रेम, उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे T0 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, और इस चीज़ को हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि हमारे पास दो टाइम इंटरवल है, एक टी है और दूसरा T0 है, और टी जो है वह T2 माइनस T1 और T0 जो है T-2 माइनस T1 है। अब हमने लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में इस चीज़ को हम देख चुके हैं टाइम निकालने का, कि T-1 या T-2 कहिए या T1 या T2 कहिए, उसमें हमने दो चीज़ को देखा था, एक इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन और एक सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन, उस चीज़ में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आइए हम देखते हैं लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से, T1 इज इक्वल टू T-1 प्लस Vx-C का स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस V²/C² एंड T2 इज इक्वल टू T-2 प्लस Vx-C² रूट अंडर 1 माइनस V²/C². इस चीज़ को हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम देखें कि T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 है, तो इस जगह पर हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा T-2 प्लस Vx-C बाय रूट अंडर 1 माइनस V²/C² माइनस T-1 प्लस Vx-C² रूट अंडर 1 माइनस V²/C². यहाँ से हमने क्या किया, दोनों का इक्वेशन, दोनों नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उस चीज़ का हम क्या किए, एलसीएम लिए, तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस V²/C², और ऊपर क्या आ जाएगा T-2 प्लस Vx-C माइनस T-1 माइनस Vx-C का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि Vx-C पॉजिटिव और Vx-C² नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म अगर एक साथ हो तो नेगलिजिबल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो T-2 माइनस T-1 बाय रूट अंडर 1 माइनस V²/C² मेरा फाइनल रिजल्ट आया। और हम जानते हैं कि T-2 माइनस T-1 इज इक्वल्स टू होता है T0, वही इक्वेशन 2 में हमने देखा, तो इस किसके जगह पर क्या करेंगे कि टी इज इक्वल्स टू T0 रूट अंडर 1 माइनस V² हो जाएगा, T-2 माइनस T1 के जगह पर T0 अगर रख दिए तो इसको इक्वेशन 3 मान लिए। हैंस टी इज ग्रेटर देन T0, इट मीन्स दैट फॉर ए मूविंग ऑब्जर्वर दैट क्लॉक हैज़ गॉन स्लोवर, कि वह S डैश फ्रेम में जो ऑब्जर्वर था मेरा वह मूव कर रहा था भी वेलोसिटी के साथ, तो उसका क्लॉक जो होगा वह स्लो हो जाता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन, और यही घटना को हम क्या कहते हैं, टाइम डायलेशन कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।